स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें हमारे चैप्टर नंबर 5 मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से समझना और बहुत इजी क्वेश्चन है। और उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई विथ कॉस ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। आपको ये यहाँ पे कह रखा है ना, तो हमें ये चीज यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, तो देखो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले, और फिर जो हमें शो करना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। तो ये आपका कॉस ए प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कैसे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तो आप देखो आपको यहाँ पे क्या कहा है, डी वाई बाय डी एक्स निकालो, यही कहा है। और जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो सॉल्यूशन में कहीं पर भी एक्स नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि जो आपकी इक्वेशन दी हुई है उसमें इधर एक ही फंक्शन है और इधर आपके दो फंक्शन है। तो अगर मैं दोनों को जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा कैसे डिफरेंशिएट कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा यू इंटू वी वाला। तो यू इंटू वी में क्या होगा, एक बार इसका होगा दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर दूसरे का होगा पहला एज इट इज रहेगा। तो एक्स वहां पर आएगा ही आएगा, क्योंकि एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स तो वन हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार में जब एक्स एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन रहेगा तो एक्स वहां पर आएगा ही आएगा। लेकिन हमारे सोल्यूशन में हमको कहीं पर भी एक्स यहां नहीं दिख रहा है, तो हमें कुछ ऐसा इसको अरेंज करके डिफरेंशिएट करना है कि हमारे डी वाई बाय डी एक्स में एक्स आई ही ना। तो हमें पता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वो आपका वन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे एक्स को एज इट इज रह देती हूँ और इसको इधर क्या कर देती हूँ, ट्रांसफर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉस वाई अपॉन कॉस आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई हो जाएगा ना, और इक्वल टू एक्स हो गया। तो जो मेरी यहाँ पे शो करना है, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरा d by dx of x 1 हो जाएगा और कहीं पर भी इसमें x नहीं आएगा। तो आपको भी क्वेश्चन को इसी तरीके से सोचना है, आप करो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन फॉर्म है u अपॉन v। तो u अपॉन v वाले मेथड से इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, u अपॉन v में क्या होगा, सबसे पहले v स्क्वायर, तो ये आपका कॉस ए प्लस वाई का यहाँ पे क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद होता है जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहता है और डी बाय डी एक्स किसके साथ लग जाता है, न्यूमरेटर के साथ में ना, फिर माइनस, फिर कॉस वाई एज इट इज रहेगा और d बाय डी एक्स आपका किसके साथ लग जाएगा, तो cos ऑफ a प्लस वाई के साथ लग जाएगा और इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। तो ये तो आपको पहले से पता है, ये क्या हो गया आपका, वन हो गया। चलो अब इसको करो, cos a प्लस वाई आपका एज इट इज, d बाय डी एक्स ऑफ cos y, तो d बाय डी एक्स ऑफ cos क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो ये माइनस का आपका साइन y हो गया। अभी x की जगह x तो है ही नहीं, x की जगह तो y है, तो हमें इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये आपका dy वाई बाय डी एक्स आ गया, फिर माइनस आपका cos y यहां पर हो गया, d बाय डी एक्स ऑफ cos क्या होता है, तो d बाय डी एक्स ऑफ cos होता है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन a प्लस वाई रह गया है ना। फिर अभी x की जगह x नहीं है, a प्लस वाई है, तो यहां पर भी आपका d बाय डी एक्स लग जाएगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, डिनोमिनेटर में को देखो, यहाँ पे देखो ना कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर ले रखा है, तो यहां पर भी मैं इसको स्क्वायर को अंदर लेती हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई कर देती हूँ। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, अच्छा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहां पर प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया। अब इसको लिखो, अब इसमें भी हम साइन को पहले दे, साइन ए प्लस वाई और ये आपका कॉस वाई हो गया, डी बाय डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई कितना होगा, तो ये मैं इसको साइड में सॉल्व कर लेती हूँ ना यहाँ पे, तो डी बाय डी एक्स आपका ए के पास भी जाएगा और डी बाय डी एक्स आपका यहाँ पर वाई के पास भी जाएगा। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपका जीरो होता है, और यहां से क्या आया आपका डी वाई बाय डी एक्स आया, तो इसका सिंपली यहां पर क्या हो गया, डी वाई बाय dx हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे भी एक dy by dx लिखना भूल गए है ना, ये वाला लिखना था ना, और ये आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया। तो अब हम आंसर को देखते हैं, तो हमारा cos स्क्वायर a प्लस वाई इधर का ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस cos स्क्वायर a प्लस वाई को इधर भेज देती हूँ, ये ऊपर जाए, क्योंकि मुझे होता है dy by dx तो मुझे न्यूमरेटर में से मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
ऊपर से तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है ना। फिर ये इसके साथ प्लस का साइन है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ के क्या बचा, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई बचा, और यहां से क्या बचा, माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई बचा है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ चला गया, उधर चला गया। तो यहाँ एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरो बना दिया कि हमने यहाँ कॉमन ले लिया और ये इधर भेज दिया, ताकि आप नोट्स जब देखो तो आपको समझ में आ जाए। तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू वन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है आपका, यहाँ पर है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, यही फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो करो फिर इसको यहाँ पे सॉल्व। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स हो गया, और इसकी जगह क्या फॉर्मूला बन गया, साइन, अब ए कौन है, इसको हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये हम ए ले लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर बी हो गया और ये यहाँ पर आपका ए हो गया। देखो एक बार ए साइन के पास है, एक बार ए कॉस के पास है, एक बार बी कॉस के पास है, एक बार बी साइन के पास है, तो बन रहा है ना फॉर्मूला। तो ये आपका कितना हो गया, ए प्लस वाई, और माइनस बी कौन है, तो वाई है ना, ये आपका यहाँ पर हो गया इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। अब क्या करना है, y से आपका y कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, डी वाई बाय डी एक्स, यहां से आपका साइन ए ही बचा है इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई बचा। तो डी वाई बाय डी एक्स हम यहां से अब क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते, तो इधर क्या बच गया, इसको इधर भेज दो। अब ये यहाँ पे किसके साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यही हमें यहाँ पे क्या करके दिखाना था, प्रूव करके दिखाना था। तो बस लिख दो हैंड्स फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे कर रहे हैं, इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे, क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल, एक एक्स है, एक वाई है, और एक आपका टी है। ये जो आपका एक्स है ये टी पर डिपेंड है, आप टी की जगह पे जो भी वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक्स चेंज होगा। सेम वाई भी आपका टी के ऊपर डिपेंड है, तो टी से वाई डिपेंड है और इस टी से एक्स डिपेंड है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, इसलिए आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम डी टू डी वाई बाई डी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकाला ना, तो पहले हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जब निकालना है, तो हम निकालेंगे ऊपर निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा, एक और बार डिफ्रेंशिएट करके हम इसका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम सोल्व करें, सबसे पहले हमारा यहाँ एक्स कितना है, ए कॉस टी प्लस टी साइन टी हो गया। चलो करो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो, तो ये कितना हो गया डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। इधर तो यही हो जाएगा और इधर ए बाहर रह जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, जैसे टू थ्री फोर होते ना वैसे ये आपका यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओके। तो अब यहाँ पे ये डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी, एक्स की जगह कौन है, कॉस टी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दो फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका u है और ये आपका यहाँ पर v है, तो प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे आपका लगेगा, इसका होगा तो इसका नहीं होगा, इसका होगा तो फिर इसका नहीं होगा, है ना। तो ये हम पहले t को छोड़ देते हैं और d बाय डी टी लगा लेते हैं हम साइन t के साथ में, फिर हम यहाँ पे साइन t को छोड़ देते हैं और d बाय डी टी लगा लेते हैं यहाँ पे t के साथ में। चलो करो डिफरेंशिएट, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आपका ये हो गया a, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी कितना होता है, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी माइनस का साइन टी होगा, है ना। टी यहाँ है, यहाँ भी टी है, तो आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। फिर आपका टी एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी हो गया आपका कॉस टी हो जाएगा, टी से टी है आगे नहीं होगा। फिर आपका यहाँ साइन टी रह गया, डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होता है, वन होता है, तो ये आपका हो गया, तो साइन टी से आपका साइन टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया आपका यहाँ पर, ए टी कॉस टी आ गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया फाइनल आंसर, ए टी कॉस टी। चलो अब दूसरा वाला वाई लेकर के आते हैं, वाई कितना हमारा, ए साइन टी
माइनस टी कॉस टी है। चलो करो इसको भी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, करो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। चलो इधर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए, डी बाय डी टी अंदर जाएगा तो ये हो गया डी बाय डी टी ऑफ साइन टी। सबके पास डी बाय डी जाता है, वो सबके साथ में डिफरेंशिएट, सबको जितने भी टर्म होंगे सबको डिफरेंशिएट करेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से ये आपका यू इंटू वी हो गया, तो एक माइनस हम यहाँ छोड़ देते हैं बाहर, है ना, माइनस है तो अंदर क्या होंगे, साइन चेंज हो गया, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। टी को एज इट इज रहने देते हैं, डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी हो गया, फिर प्लस कॉस टी को एज इट इज रहने देते हैं और डी बाय डी टी ऑफ आपका यहाँ पर टी हो गया। ठीक है, इसका यू इंटू वी फॉर्म से ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पे सॉल्व करो, डी वाई अपॉन डी टी ए एज इट इज, डी बाय डी टी ऑफ साइन टी क्या होगा, तो डी बाय डी टी ऑफ साइन टी आपका यहाँ पर कॉस टी हो गया। फिर माइनस टी, डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी कितना हो गया, तो डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी माइनस का साइन टी होगा, है ना। एक सेकेंड पेंसिल लेके आती हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना पेंसिल से, अब आगे बाद में नोट्स देखो तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो माइनस का कितना हो गया, ये साइन टी हो गया, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हम आगे ले लेते हैं और ये आपका साइन टी हो गया। फिर प्लस कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ टी तो वन होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया कॉस टी। चलो अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये डी बाई डी टी हो गया इक्वल टू ए, ये आपका यहाँ पर हो गया कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस कॉस टी। तो देखो कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ गया, ए टी साइन टी आ गया। चलो अब हमें क्या चाहिए, पहले डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम यहां पे लिखते हैं नाउ डी वाई बाय डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन जो ऊपर डी वाई है उसको डी टी से करो और नीचे डी एक्स है उसको भी डी टी से करो, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी, वैल्यू पुट कर लो तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू होगी, डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये है पहले डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी, तो ये कितनी आ गई, ए टी साइन टी आ गई, और ये कितनी आ गई, ए टी कॉस टी आ गई, तो ये ए टी कितनी हो गई, कॉस टी हो गई, ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, प्रोडक्ट में है ना, तो बचा क्या, साइन अपॉन कॉस बचा, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन टी हो जाता है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स टेन टी आ गई। नाउ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो भी डी वाई बाई डी एक्स है उसका फिर से डिफरेंशिएट करना, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपका यहाँ पर, टेन टी है, तो यहाँ लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, टेन टी हो गया, है ना, टी के फॉर्म में ही आपका आंसर है क्योंकि यहाँ पे टी चल रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पर टेन टी कितना हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर टी। देखो यहाँ x है और यहाँ t है, तो फिर से होगा, अगर यहाँ x होता तो आगे डिफरेंशिएशन नहीं होता, बट ये अगर यहाँ y हो, x को छोड़ करके यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ही, तो ये कितना आ गया आपका dt, dt अपॉन यहाँ से क्या आ गया, dx आ गया, क्योंकि हम d बाय dx कर रहे हैं, यहाँ t है तो dt अपॉन dx होगा, y होता तो dy वाई अपॉन डी एक्स होता, यही होता ना, तो डी टी अपॉन आपका यहाँ पर कितना आ गया, डी एक्स आ गया। तो अब हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम डी टू अपॉन डी एक्स टू हमारा इस तरह से तो नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे भी आपकी इस तरह से कम आ रही है, तो डी टी अपॉन डी एक्स हम यहाँ से लेकर के आते हैं, ये वाला है ना, तो यहाँ से देखो ये डी एक्स अपॉन डी टी है, तो हम इसको डी टी अपॉन डी एक्स अगर लिख रहे हैं तो ये न्यूमरेटर में था तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में, ए टी कॉस टी हो जाएगा, है ना, भाई डी एक्स अपॉन डी टी ये था तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, भाई न्यूमरेटर था तो ये डिनोमिनेटर बन गया। अब इसकी वैल्यू को उठा करके, इस वैल्यू को उठा करके हम पुट कर देते हैं नीचे, ये यहाँ पे है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, सेक स्क्वायर तो पहले से था तो ये आपका यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, वन अपॉन ए टी कॉस टी हो गया। अब सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है, तो या वन अपॉन कॉस को हम सेक लिख लेते हैं ना, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेक लिख लेते हैं, इस तरह से सेक टी लिख लेते हैं, तो दो ऊपर एक पहले से एक और आ गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये सेक क्यूब टी हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन कॉस सेक हो गया, तो सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी हो जाएगा, है ना, तो दिस एम्प्लाइज यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस एम्प्लाइज इसमें कलर से बना के आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, इस तरह से यहाँ फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हमेशा येलो बॉक्स में लिख रहे हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कितना आ रहा है,
सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा, पैरामेट्रिक फॉर्म थी हमारी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालना। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, हमने डी वाई बाय डी एक्स निकाला, ये वाला फॉर्मूला पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, तीन वेरिएबल जब भी होते हैं तो आपको समझ आना यही लगाना है। फिर हमने ये करके डी वाई बाय डी एक्स निकाला, ये आया। फिर हमने डी वाई बाय डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएट किया ताकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकले, वो कर दिया। बट यहाँ पे फिर से दिक्कत आ गई कि हम इस तरह से डिफरेंशिएशन की फॉर्म को सोल्यूशन में नहीं छोड़ सकते, तो हमने इसकी वैल्यू ला करके भी यहाँ पुट कर दी और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, आया तो प्लीज लाइक बटन दबाए। इफ एफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी कह सकते हैं। तो ये एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, पहली चीज तो हमें शो करके बतानी है कि जो एफ डबल डैश है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। किसके लिए, ऑल रियल एक्स के लिए, जितने भी रियल वैल्यू है एक्स की उनके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा हमें एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे फाइंड भी करके बताना है कि एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर आएगा कितना, है ना। तो देखो मॉड्यूलस की डेफिनेशन आपको पहले से पता है, मॉड्यूलस का बिहेवियर आपको पता है कि मॉड्यूलस के अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू जाती है तो ये बाहर क्या निकाल देता है, वो की वो वैल्यू निकाल देता है। लेकिन मॉड्यूलस के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू जाती है तो ये उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक साइन और देता है। ये हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमने 10th क्लास में भी ये चीज देखी थी। मेन बात यहाँ पे है कि ये एफ डबल डैच एक्स एग्जिस्ट करेगा वो हम कैसे बताएंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि एफ डबल डैश एस एक्स को एग्जिस्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज शो करनी है, ये हमारा एफ एक्स है। अगर हम यहां पे ये शो करके बता दें कि एफ डैश एक्स हमारा यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसका हमने क्या क्या डिफरेंशिएशन किया तब ये आया, तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका डबल डैश एक्स जो है यानी डबल टाइम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हमें सिर्फ यहां पे ये शो करके दिखाना है कि एफ डैश एक्स यहां पर एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर यहां पे ये अगर आपका जैसे टू का स्किप चल रहा है, तो अगर हमने दो तीन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 दे दिया ना, तो ये टू का टू के मल्टीपल के नंबर लिख रहे हैं, तो ये टू से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा। तो अगर ये एक पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं तो बाकी सारे आगे के नंबर पे टू से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है, ये एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसको एग्जिस्ट करने के लिए हमें सिर्फ ये शो करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले आप यहाँ पे देखो, तो ये हमारी मॉड्यूलस एक्स की डेफिनेशन होती है, उसका बिहेवियर होता है कि इस एक्स के अंदर जब भी आप एक्स से बड़ी वैल्यू या जीरो भी रखोगे तो हमें आगे जो हमने इनपुट डाला है वो का वो आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखी तो अब ये फंक्शन काम करेगा और अब ये बाहर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस देगा। लाइक अगर एक्स इक्वल टू माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस का वन यहाँ पे बाहर आएगा इस माइनस की वजह से। अगर यहाँ पे हम क्या वैल्यू एक्स की माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री वैल्यू है, तो इसको प्लस बनाने के लिए ये एक माइनस और देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस एक्स का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का क्यूब हो गया। तो क्यूब हो गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू डालेंगे माइनस मिलेगा। भाई ऑड की पावर, ये पावर आपकी कौन सी है, ऑड है ना, तो ऑड से तो प्लस हमेशा प्लस ही निकलेगा और माइनस हमेशा माइनस ही निकलेगा। माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन, माइनस टू का क्यूब क्या होगा, माइनस एट होगा, क्योंकि माइनस की पावर जब आपकी यहाँ पे ऑड होती है ना, वन हो, थ्री हो, फाइव हो, तो हमेशा नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में से कोई भी वैल्यू रखती हूँ तो मॉड्यूलस x का क्यूब क्या देगा, मुझे x क्यूब देगा, और अगर मैं लेस देन जीरो रखती हूँ तो ये मुझे माइनस का x क्यूब देगा, है ना। माइनस वन रखा तो माइनस वन का यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस वन का क्यूब मिलेगा। माइनस टू रखेंगे तो माइनस का एट मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे शो करें कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आप यहाँ पे देखो हम मॉड्यूलस x का ग्राफ देखते हैं ना, ये यहाँ पे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन को एग्जिस्ट करना है। डबल डैश का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था
कि जब भी शार्प कॉर्नर होता है वहां पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन उसका नहीं होता, वहां पे डेरिवेटिव नहीं होता, क्योंकि इसके लेफ्ट में वैल्यू अलग होती है राइट होती है। मैं इस पॉइंट को अगर देख लूँ तो यहाँ पे फंक्शन आपका पूरा कंटिन्यूस होगा, लेफ्ट में राइट में वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे भी इस तरह से नहीं होगी, लेकिन शार्प कॉर्नर जहाँ पे भी होते हैं वहां पे फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये लाइन किसकी एक्स ग्रेटर देन जीरो की है, ये लाइन किसकी एक्स लेस देन जीरो की, और ये वैल्यू किसकी एक्स इक्वल टू जीरो की। तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएशन भी होगा, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है डिफरेंशिएशन भी होगा, लेकिन यहाँ पे शार्प कॉर्नर फंक्शन आपका पूरा कंटिन्यूस है बट शार्प कॉर्नर पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होता, ये हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करना पड़ेगा, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इनके लिए तो हम इजीली यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तीन केस बनेंगे, एक केस इसके लिए शो करना पड़ेगा, एक इसके लिए शो करना पड़ेगा, एक इसके लिए शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है उसमें एक इस तरह से सिंपल कंटिन्यूस ग्राफ, आपका सिंपल स्मूथ ग्राफ नहीं, ये एक शार्प कॉर्नर वाला ग्राफ है ना। चलो करके देखते हैं हम, तो एक एक केस लेते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है। तो देखो एफ डैश एक्स कितना होगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो गया आपका एक्स क्यूब हो गया, पावर आगे आ जाएगी एक पावर कम हो जाएगी, है ना। तो एफ डैश एक्स हमने ये निकाल लिया, अब आपको दिखाना है कि ये भाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, ये कौन सा फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो बस ये हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, फंक्शन को देख करके हमने यहां पर लिख दिया। तो आप यहां पर क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसलिए हमें इस पॉइंट पर दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर ग्रेटर देन जीरो पे और इस पर एक कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन है, ब्रेक कहीं पर नहीं हो रहा फंक्शन, इसीलिए यहां पे इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख देंगे पॉलीनोमियल फंक्शन है तो एफ डैश एक्स आपका कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हमने लिख दिया कि हियर 3x स्क्वायर इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, सो एफ डैश एक्स जो कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशियल भी होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो वैल्यू के। तीनों केस जब हमारे ट्रू होंगे तभी हम इसको कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा। फिर एक्स इज लेस देन जीरो वैल्यू के लिए भी सेम रहेगा, एफ एक्स माइनस का एक्स क्यूब है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सेम ऊपर जैसा माइनस का 3x स्क्वायर आ रहा है। अब ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, चाहे माइनस लग गया है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या होगा कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये एफ डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल होगा फॉर एक्स लेस देन जीरो। हम क्लास 11 में प्रूव कर चुके हैं कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं ना, तो कंटिन्यूस हो गया और ये डिफरेंशिएबल भी यहां पर होगा। अब मेन हमें यहां पे किसके लिए चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ना, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए हमें यहां पर एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है इससे पहले वाले चैप्टर में कि जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है वहां पे हमें डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है ना। चलो करते हैं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ डैश एक्स। अब यहां पे देखो फंक्शन, देखो ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन था, लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ है, यहां पर है ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो से थोड़ा सा इधर, तो यहां पे इस लाइन पे आप समझना, मैं फंक्शन इसमें से कौन सा लेना है वो देखना पड़ेगा। ये हमारा x इक्वल टू जीरो हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो x लेस देन जीरो के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो इस तरफ ही होगी, तो x लेस देन जीरो के लिए हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला, तो एल एच डी के लिए ये आएगा। x ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है हमारा, ये वाला, तो यहां पे जो फंक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा, और इसके लिए क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब जीरो से लेफ्ट में जाना, राइट हैंड साइड मतलब जीरो से राइट में जाना, तो लेफ्ट में जाएंगे तब नेगेटिव आएगा, राइट में जाएंगे तब पॉजिटिव आएगा, है ना। ये हमने फंक्शन अभी देख लिया कि एल एच डी के लिए जो आपका यहां पर, इसके लिए जो आपका फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस का कौन सा फंक्शन है, ये वाला माइनस का 3x स्क्वायर। हम यहाँ पे एफ डैश एक्स देख रहे हैं, कौन क्या देख रहे हैं हम, क्योंकि इसको हम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो दिखा रहे हैं, एफ एक्स नहीं देख रहे हैं। तो ये फंक्शन आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो वही एक्स स्टैंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स हो गया, फिर लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, ये हमारा फॉर्मूला था, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो एक्स माइनस जीरो। अब हम जीरो से लेफ्ट में जा रहे, तो जीरो में से कुछ छोटा सा एच जो होगा उसको सब्ट्रैक करेंगे, तो वो छोटा सा एच क्या होता है, टेंडिंग जीरो करते हैं हम, कि एच जो है वो जीरो के बराबर है, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एस माइनस एफ जीरो, और ये जहां जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे जीरो माइनस एच हमने यहां पे रख दिया, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करोगे, अब फंक्शन कौन सा है, तो ये वाला फंक्शन है, इसमें जीरो माइनस एच रखेंगे, तो माइनस का थ्री जीरो माइनस एच का स्क्वायर, इसमें एफ जीरो, तो जीरो रखोगे तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये तो आपका जीरो से जीरो तो कैंसिल हो गया, माइनस का एच हो गया, तो ये आपका कितना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, लिमिट अभी हमने पुट की नहीं की है, तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो माइनस,
ये माइनस का 3 माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा और नीचे माइनस एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, बचा कितना 3h बचा, 3 बाहर ले लो, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 माइनस h बचा, तो h किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो ये कितना हो गया आपका 0 इंटू 3, यानी कि आपका LHD कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब सेम हम यहाँ पे RHD कैलकुलेट, तो राइट हैंड साइड के लिए बस इतना सा डिफरेंट है कि फंक्शन कौन सा होगा, अब आपका ये वाला फंक्शन होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यहाँ 0 माइनस h था, अब 0 से इधर चलना है तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हम ऐड करेंगे, तो यहाँ 0 प्लस h आएगा, यहाँ 0 माइनस h आएगा, तो सेम राइट हैंड साइड लिमिट को भी एज इट इज हमने सॉल्व कर दिया, वही 0 प्लस कर दिया, वही सेम 0 प्लस एच, 0 माइनस एच की जगह यहाँ पे 0 प्लस एच कर लिया, माइनस एफ 0, ये सारा कुछ आपको आता है, अगर भूल गए हो तो आप पीछे चैप्टर आप रिवाइज कर लेना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं ना, तो ये हमने पढ़ा है ना यहाँ पे इसी चैप्टर में पढ़ा है, तो ये हमने यहाँ कर लिया, फिर आपने 0 प्लस एच, तो फंक्शन हमारा कौन सा आएगा ये वाला, तो इसमें एच की जगह पे हमने क्या रखा 0 प्लस एच यहाँ पे रख दिया, तो ये 0 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये एच स्क्वायर आया, ये 0 हट गया यहाँ से, तो 3 एच स्क्वायर अपॉन एच आया, एक एच कैंसिल हो गया, ये 3 एच हो गया, तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0 एच, तो ये क्या हो गया एच स्टैंडिंग टू 0, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, एच की जगह हम 0 रखेंगे, सॉल्व किया 0, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये शार्प कॉर्नर है, यहाँ पे भी आपका फंक्शन यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएबल है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ग्रेटर देन जीरो के लिए भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेस देन जीरो के लिए भी है, और एक्स इक्वल टू जीरो के लिए भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स तो होगा ही होगा, और हमें वो एफ डबल डैश एक्स फाइंड भी करना। अब देखो यहाँ पे मैंने एफ डैश एक्स लिखा है, बट हम यहाँ पे जो फंक्शन लिया है वो लिखा है मैंने, अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका एफ एक्स ही आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा एफ एक्स ही आता है, बट हम यहाँ इसको इसको एग्जिस्ट करना दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सो एफ डबल एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा और एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें एफ डबल डैश एक्स भी फाइंड करना है, तो एफ डैश एक्स मैंने लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ये था ये हमने यहां से लिखा, ये रहा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये था, और लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए हमारा ये था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, तो बस इसी का फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो 3x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करो कितना आएगा, ये 2 आ गया जाएगा, 3 टू जा 6 एक पावर कम 6x हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और ये कितना हो जाएगा 3 टू जा, तो ये माइनस का 6x हो जाएगा x इज लेस देन जीरो के लिए, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया हमारा, ये एक तो हमें ये एडजस्ट करके दिखाना था और एक हमारा एफ डबल डैश एक्स क्या होगा वो दिखाना, तो माइनस का 6x होगा फॉर ऑल x इज ग्रेटर, हाँ हाँ फॉर ऑल x इज लेस देन जीरो के लिए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आपको अच्छे समझ में आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना जरूरी था। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें याद दिलाएगा हमारे क्लास 11 के मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर के ना, तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन जो होता है वो एन एक्स की पावर एन माइनस, तो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू, हमें पता ही होता है, बट हमें मैथमेटिकल इंडक्शन मैथड से क्या करना है इसको शो करके दिखाना है कि ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन सारे फॉर्मूले को ही तो हम वहां पे प्रूव करके दिखाते थे जो पहले से हमारे थे, ठीक है। चलो तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, हम एन इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे शो करके दिखाएंगे, फिर एन इक्वल टू के लिए अज्यूम करेंगे, और एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे, ये हम शो करके दिखाएंगे, ये हम अज्यूम करेंगे, और यहाँ पे ये हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है, इनकी हेल्प लेते हुए। ये 3 स्टेप हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन के होते हैं। अब 1 by 1 स्टेप चलते हैं। चलो n इक्वल टू 1 के लिए हम शो करते हैं कि हमारा लेफ्ट इक्वल टू राइट है, तो हम इसका एल एच एस में n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 1, तो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 1 कितना हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ आपका x हो जाएगा, तो d बाय डी एक्स ऑफ x क्या होता है, तो 1 होता है। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारी यहाँ पर क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 है, तो रखो 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये आपका 1 हो गया, एक्स की पावर कितना हो गया 0, एक्स की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 आपका यहाँ पर कितना हो गया 1 ही आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लेफ्ट एन इक्वल टू 1 के लिए हमने जब 1 रखा तो हमारा लेफ्ट इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, दस पी एन इज
ट्रू जो हमारी इक्वेशन है उसको हम पी एन के इक्वल लेकर के चलते, सबसे पहले यही मानते हैं ना, तो लेट पी एन इक्वल टू दिस करके, तो ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। अब हम अज्यूम करेंगे, हम मानेंगे कि भाई एक के लिए ट्रू हो गई तो हम मानेंगे कि दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए ना मान के हमें किसी वेरिएबल के लिए इसको ट्रू मान लें, के की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो लेट अस अज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू एन, सारे इंटीजर्स के लिए शो करना ना, तो इसमें से ये के भी इसी में से आ रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बस जहां जहां भी आपको एन दिख रहा है वहां वहां के कर दो। तो ये आपका कितना हो गया, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इक्वल टू के एक्स की पावर के माइनस वन। बस यहां पे कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ये लिख करके बता देना, इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले रहे हैं। अब जो मेन काम है वो हमें शो करना है किसके लिए, एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए। तो बस यहां जहां जहां भी एन दिख रहा है वहां के प्लस वन लिखो, सॉल्व कर लो और हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दिया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज टू। तो पी के प्लस वन ही नहीं, जहां जहां भी एन दिख रहा है वहां के प्लस वन लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है, देखो वन से वन कैंसिल हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज आपका यहाँ पे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के प्लस वन किसके इक्वल आ रहा है, के प्लस वन एक्स की पावर के। ये चीज हमें यहाँ पे शो करके दिखानी, तो वही लेफ्ट इक्वल टू राइट शो करके दिखाना है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के प्लस वन। तो डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका पावर है, तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर आपकी आगे आ जाती है और इसी तरीके से होता है, या फिर हम यहाँ पे कुछ और काम करते हैं ना, हमें शो करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, है ना, के प्लस वन आगे आ जाएगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगा। तो हमें सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हम कुछ और यहाँ पे काम करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्स की पावर को अलग अलग कर देती हूँ, क्योंकि हमें जो शो करना है वो डिफरेंशिएशन ही है एक्चुअल में ना, तो वो नहीं करके हम इसमें कुछ और करते हैं। तो ये आपका डी बाय डी एक्स हो गया और हम इसमें बे पावर ऐड हो रही है, तो बेस सेम होता है तभी पावर ऐड होती है, तो मैंने दोनों पावर को यहाँ पे अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो सीधे से नहीं कर लेना है भाई, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, तो घुमा के हम उस आंसर को लेकर के आते हैं, सीधा डी बाय डी एक्स नहीं कर लेते हैं ना। तो ये आपका इसको अलग कर दिया और इसको लेकर के अलग कर दिया, तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। तो अब प्रोडक्ट मैथड से हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, सीधा सा नहीं करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो एक बार हम एक्स पावर के को एज इट इज रख देते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर वन को रख लेते हैं, फिर प्लस, फिर एक्स पावर वन को यहां रख लेते हैं और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर के रख लेते हैं। चलो करो सॉल्व। तो ये एक्स पावर के हो गया, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स आपका वन होता है, और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर के ये तो हमें सॉल्व करना आता है, तो ये आपका वन हो गया, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये आपका एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स पावर के, तो के पावर आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही होता है। तो यहाँ पे देखो अब ये एक्स भी है, ये एक्स भी, बेस सेम होता है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो करो ऐड, यहाँ पे के बाहर आ जाते हैं, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ पावर ऐड, के माइनस वन, इसकी पावर भी कितनी, वन, तो ये पावर ऐड होगी। तो आपने क्या देखा, माइनस वन से प्लस वन हो गया कैंसिल, तो ये एक्स पावर के प्लस के डॉट एक्स पावर यहाँ पे कितना हो गया, के हो गया। तो देखो ये एक्स पावर के यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स पावर के को हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचा, वन प्लस के बचा। तो इसको थोड़ा सा मैं इस ऑर्डर में लिख लेती हूँ ना, के वन प्लस के को मैं के प्लस वन लिख सकती हूँ, वही एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, और ये एक्स पावर आपका कितना हो गया, के हो गया, और यही हमारा यहाँ पे क्या है, आर एच एस है, भाई हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड हमारा यहाँ पर आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हियर क्या लिखेंगे भाई, हियर एल एच एस इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पर आर एच एस है, एल एच एस किसके इक्वल है, आर एच एस के। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या कहेंगे, पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, ये भी आपका ट्रू आ रहा है। देखो वन के लिए ट्रू हो गया, इसके लिए हमने माना और इसके लिए भी हमने शो करके दिखा दिया, तो हम कहेंगे कि भाई एक हमने नंबर के लिए दिखाया, इसके लिए हमने मान लिया, और ये के प्लस वन के लिए हमने ट्रू करके दिखा दिया। अगर ये इन तीनों कंडीशन के लिए फुलफिल है तो आप इस एन की जगह जो मर्जी नंबर रख लो, पॉजिटिव इंटीजर जो उसने बोला है वो नंबर रख लो, आपका ये हमेशा ट्रू होगा ही होगा। तो ये इंडक्शन मैथड हमारा यही कहता है, तो हैंस बाय इंडक्शन, हैंस बाय इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल एन, पॉजिटिव इंटीजर बोला ना, तो यहां पे फॉर ऑल एन या ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारा इंडक्शन मेथड हमें यहां पे
कहता है। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। 11th क्लास में भी बहुत सबसे सिंपल चैप्टर यही था, वो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।